पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता के श्री श्री शारदा मायोर बाड़ी मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पूजा अर्चना कर पीएम ने मंदिर में प्रार्थना की। कोलकाता में रोड शो से पहले पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। नेताजी को श्रद्धांजलि देकर उन्होंने रोड शो की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कोलकाता में किया रोड शो, बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी भी साथ रहे। पीएम के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। रोड शो खत्म होने के बाद स्वामी विवेकानंद की शरण में पहुंचे पीएम मोदी, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। पीएम मोदी ने संदेश खाली को लेकर टीएमसी पर साधा निशाना, कहा संदेश खाली जैसी घटनाएं इनके लिए आम बात, कानूनी व्यवस्था पर काम नहीं कर रही बंगाल की सरकार। पीएम मोदी का दावा, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं टीएमसी के लोग, इनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं। जादवपुर में बोले पीएम, 4 जून को देश में रचा जाएगा इतिहास, फिर एक बार बनेगी मोदी सरकार। चुनाव प्रचार के दौरान बोले प्रधानमंत्री, इस बार बंगाल में टीएमसी और इंडी वालों के किले ध्वस्त होंगे, 4 जून को बंगाल में खिलेगा कमल। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जड़ से खत्म कर देंगे भ्रष्टाचार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अपने इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश में हो रही नए युग की शुरुआत, जो बड़े सपने देखकर बड़े वादे कर रहे थे उनके लिए ये आखिरी दौर है। प्रियंका वाड्रा पर पीएम मोदी पर प्रियंका का पलटवार, कहा इनकी राजनीति से थक चुकी है जनता, ये खुलेआम कर रहे हैं लोकतंत्र से खिलवाड़। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर कभी बेटियों के लिए प्रियंका लड़ी नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने ओडिशा सरकार पर साधा निशाना, कहा 25 साल में पलायन नहीं रोक सके नवीन पटनायक, बीजेपी की सरकार 5 साल में देगी युवाओं को रोजगार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा 54 साल से गरीबी हटाओ का नारा रट रही कांग्रेस, अब तक इनकी इतनी बार सरकार बनी लेकिन गरीबी नहीं। अमृतसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों की मांगों की अनदेखी करने के लिए बीजेपी की जमकर आलोचना की और दावा किया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 750 लोगों की मौत। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा दावा किया है, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब चले गए हैं, वहीं 4 जून को एनडी गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली वालों से पानी बर्बाद न करने की अपील की, वहीं पानी की बर्बादी करने पर चालान काटने के संकेत दिए। ओडिशा के फिरिंगिया में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 9 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती, बस में करीब 50 से ज्यादा लोग सवार।